ये हैं आदिवासी, भोले भाले, नेक, सरल और परिश्रमी। देश की मिट्टी से इनका नाता सदियों पुराना है। इन्होंने आज भी अपनी कई विशिष्ट परंपराओं को बना रखा है। आज समय आ गया है इनका पिछड़ापन हटाने और देश के निर्माण में उन्हें सहभागी बनाने का। दक्षिण भारत में नीलगिरी की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में बसे हुए हैं तोडा आदिवासी। इनकी गणना सबसे पुरानी जातियों में होती है। तोडा शांतिप्रिय लोग हैं। वे मांसाहार करते नहीं और शराब भी पीते नहीं। तोडा अपने घरों को साफ सुथरा और सजीला रखते हैं। आदिवासी माँ बाप बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर भी बहुत सारे आदिवासी अब पढ़ने का महत्व समझने लगे हैं। ये है इंबारानी, जो कॉलेज में पढ़ने वाली प्रथम तोड़ा छात्रा है। वो कहती है कि सरकार हमें पढ़ाने के वास्ते बहुत कुछ कर रही है। पढ़ना लिखना सीखने से इन्हें फायदा ही हुआ है। फटफट करने त्रिपुर में सरकार ने से दिच्छे। उच्च अभ्यास के लिए उन्हें हर तरह की सुविधा निशुल्क मिलती है। छात्रवृत्तियां मिलती हैं और पुस्तकें भी मुफ्त दी जाती हैं। स्कूल में बच्चों को नाश्ता दिया जाता है। उनके बौद्धिक विकास के लिए बाल पुस्तकालय भी चलाए जाते हैं। आदिवासी स्त्रियों को भिन्न भिन्न प्रकार की कशीदाकारी से अपने वस्त्र सजाने का बड़ा शौक है। फुर्सत के समय में सिलाई जैसा अपना मनपसंद काम करके परिवार की आय भी बढ़ाती रहती है। व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में आदिवासी युवकों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को रोजगार के विशेष अवसर मिलते हैं, जिसके लिए उन्हें आयु सीमा और अन्य योग्यताओं में रियायतें भी दी जाती हैं।
सभी क्षेत्रों में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है। हर जगह उन्हें डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आमतौर पर उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक पाया जाता है। कुछ आदिवासी जातियां बसी हुई हैं मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के घने जंगलों में भी। जमीन का छोटा सा टुकड़ा, एकाध झोपड़ी और चंद मवेशी, बस यही है उनका सब कुछ। उनका रहन सहन गरीबी में पनपता है। वैसे तो आदिवासी पुरखों से जुताई में लगे हुए हैं, पर उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। वे ज्यादातर उठाऊ खेती जैसे पुराने तरीकों में विश्वास रखते आए हैं, लेकिन अगर फसल न हुई तो महाजन उनकी बेबसी का पूरा फायदा उठाता है और मामूली राशि देकर उनकी सारी जमीन छीन लेता है। अब सरकारी सहायता से समय का चक्र घूम जाता है। आदिवासी आमतौर पर पशुपालक होते हैं। भैंस उनकी अनमोल संपदा है। दूध वे सहकारी समितियों को बेचते हैं। साप्ताहिक हाट का दिन बड़ी खुशियों का दिन होता है। गैर आदिवासी उन्हें बहकाते रहते हैं और आदिवासी मामूली श्रृंगार प्रसाधनों के बदले में अपनी महंगी चीजें लुटा देते हैं। रिबन, रंग बिरंगी चूड़ियां और आयना जब मन मोह लेता है तो असली वन्य पैदावारों के लिए कौन रोता है। वैसे सहकारी विपणन समितियों से उन्हें उचित दाम मिल सकता है, फिर भी हाट में जाने का मजा कुछ और ही है। नाच गान उनकी संस्कृति की पुरानी परंपरा है। चाहे उनकी बारात हो या अन्य उत्सव, उनके रीति रिवाजों में बीते हुए दिनों की झलक है। उनके जोशीले नृत्यों में जिंदगी की धूप छांव झेलने की चुनौती है। इनके भोलेपन व निर्दोष हंसी में असली भारत की पहचान है। आइए इन्हें पहचानें और इन्हें साथ ले चलें देश की प्रगति की ओर।